देखिए, इस प्रोडक्ट में ना तो कोई वायरिंग कट है, ना कपलर की जरूरत है। प्यार वीडियो के करते हैं शुरुआत। तो आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूं, जो मैं प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, वायरलेस कार डोर एलईडी वार्निंग लाइट। ये एलईडी वार्निंग लाइट जो है वो डोर के ऊपर लगती है। जब भी हमारी गाड़ी खड़ी होती है कहीं पर, डोर ओपन करते हैं तो ये पीछे से आने वाले कोई भी व्हीकल है उसको इंडिकेट करेगी कि यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, इसका डोर ओपन होना है। आइए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और ये है कार डोर एलईडी वार्निंग लाइट। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। आइए, इसके अंदर हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट निकले हैं आपके सामने। ये 3M की टेप है, ये 3mm की टेप है जिससे ये जो है गाड़ी के ऊपर असेंबल होंगे। तो ये टोटल प्रोडक्ट निकले हैं, दो सेल हैं, दो मैग्नेट हैं और ये एलईडी है हमारी। 5 LED बल्ब हैं इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें 5 LED हैं। ये 3 LED की भी आती है और 5 की भी। तो मैंने जो है ये 5 LED की ऑर्डर की थी और इसको कैसे यूज़ करना है वो इसमें दिखा रखा है। ये जो नीचे वाली कैप है, इस कैप में ऊपर की तरफ एलईडी रखेंगे और लाइट जो रेड कलर की जो इसका जो रिफ्लेक्टर है इसको हम ऐसे बंद करेंगे। देख सकते हैं ये ऐसे जलनी शुरू हो गई है और इसको स्टॉप करने के लिए इसका मैग्नेट है। ये देखिए, इसके आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये काम करता है मैग्नेट। ये हमारा एक तैयार हो गया, दूसरी एलईडी को करते हैं तैयार। ये सेल को इस तरह से डालेंगे, डालते ही ये ऑन हो गया। इसी तरह इसकी जो बेस कैप है उसमें डालेंगे एलईडी को और ये रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्टर इसके ऊपर, इसको अच्छे से फिक्स कर दिया। और ये देखिए, ये मैग्नेट जो है ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी हम 3mm की टेप का यूज़ करना बताते हैं कैसे लगेगा। इसके बैक साइड पे हमें 3mm की टेप को अप्लाई करना है अच्छे से। यहाँ हो गया और इसी तरह इसके बैक में भी हम 3M की टेप अप्लाई करेंगे। अब ये दो पार्ट बचे हैं हमारे पास मैग्नेट, इन मैग्नेट के ऊपर भी हम जो है 3M की टेप फिक्स करेंगे, असेंबल करेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा सेट रेडी है। अब इसको हम गाड़ी के डोर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। डोर को ओपन करेंगे और डोर में आपको जो भी जगह सूटेबल लगती है उस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इधर ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप आगे वाले डोर में इस पार्ट में नहीं लगेगी, क्योंकि आगे की साइड से ये जो डोर होता है यहाँ, ये देखिए ये गैप होता है यहाँ पे, ये जो लॉक सिस्टम है हमारा, लॉक के ऊपर हमें अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो है जहाँ भी आप अप्लाई करो, जिस भी एरिया को आप लगाना चाहते हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से क्लीन। टेप को रिमूव कीजिए और मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ लग गया है,
और अब देखते हैं डोर को बंद करके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छे से बंद हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसके जो मैग्नेटिक पार्ट है जिसको हम असेंबल करेंगे वो कैसे करेंगे इस, अब देखिए अभी भी लाइट जल रही है तो ये आपको आइडिया से लगाना होगा। यहां लगा के देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगाना है यहां से। और अब हमें यहां सही पॉइंट मिल गया है, इसको 3mm के टेप को हम रिमूव करके इसे यहां अप्लाई कर देंगे। अब देखिए डोर को बंद करते हैं, डोर ओपन हुआ, ये ब्लिंक करना शुरू हो गई। अब इसके पैटर्न को नोट कीजिए आप, ये ब्लिंक कर रहे हैं, अब बंद कीजिए सर, ओपन कीजिए। अगर ये पैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑन, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए कुछ समय के बाद में ये पैटर्न चेंज हो गया, इसका 3-4 पैटर्न में काम करती है। अब ये देखिए इसके जो ब्लिंक है वो चेंज हो चुका है। अब बंद कीजिए सर, ओपन कीजिए। अगर ये देखिए ये फर्स्ट पैटर्न है, ये ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब लाइट अंदर ऑफ हो रही है। अब जैसे ही डोर को क्लोज करते हैं तो ये यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लाइट बंद हो चुकी है। अब हम इसके बैक डोर पर लगाते हैं कि ये कहाँ लगेगा। तो बैक डोर जो है ये एरिया सही लग रहा है मुझे, तो इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे पहले, जैसे हमने पहले किया था। डस्ट पार्टिकल को अच्छे से यहाँ से साफ कर दीजिए और अब हम 3M की टेप को रिमूव करते हैं और इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये थर्ड पैटर्न है इसका, राउंड राउंड जो है ये थर्ड पैटर्न है। तो अगर ये ज़्यादा देर तक लाइट बाहर रह जाती है तो ये पैटर्न चेंज करती रहती है। अब ये बंद हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न के बाद कुछ समय के बाद में ये सेकंड पैटर्न ब्लिंक करेगी। ये देखिए ये सेकंड पैटर्न है और कुछ और समय तक रहेगी तो ये थर्ड पैटर्न जो है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका एलईडी का थर्ड पैटर्न है, तो ये इस तरह से काम करता है। ये 3 पैटर्न है इसमें टोटल, आप देख सकते हैं। अब अगर आपकी स्लाइड सही से असेंबल होगी तो ये फर्स्ट पैटर्न हमेशा आपको फर्स्ट पैटर्न नजर आएगा। तो अभी जो मैग्नेट है, मैग्नेट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी पोजीशन को फिर से। ये देखिए निशान के लिए हमने ये ले लिया, यहाँ ये सेंटर है और हम इसको जो है मैग्नेट ऐसे चिपक जाता है विदाउट टेप रिमूव करें। अब इसको देखते हैं हम लग करके, हो गया। और अब ये देखिए ये फर्स्ट पैटर्न ब्लिंक कर रहा है, तो फर्स्ट पैटर्न का मतलब हमारी लाइट जो है सही से ओके सही पोजीशन पे लगी है, वो मैग्नेट जो है सही पोजीशन पे लगा। ये देखिए सेकंड ब्लिंक हो गया ना सेकंड। अभी इसको दोबारा देखते हैं, ओपन करते हैं, अगर फर्स्ट ब्लिंक करेगा तो हमारा मैग्नेट सही है। ये देखिए बिल्कुल सही पोजीशन पे हमारा मैग्नेट है। इसको अब हम जो है इसी पोजीशन पे रिमूव करके लगा देते हैं। ये पोजीशन थी इसकी।
इसी पोजीशन पे हम जो है हमने लगा दिए हैं। अब देखते हैं इसको बंद करके, बंद किया, अब ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ से ये फर्स्ट पैटर्न ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए सेकंड पैटर्न ब्लिंक करने लगा, बंद कर दिया हमने। फर्स्ट पैटर्न ब्लिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब देखिए लाइट बंद हो चुकी है, ऑन हो गई है, बंद हो गई है। ये अच्छे से काम करते हैं। इस प्रोडक्ट में ना तो कोई वायरिंग कट है, ना कपलर की ज़रूरत है, ना किसी करंट की ज़रूरत है। ये केवल जो है सेल्स की हेल्प से चलता है। इसकी जो रेंज जो बताई, लगभग बताई है बैटरी लगभग 1 ईयर निकाल देती है, और ये बहुत ही सेफ करता है हमारी गाड़ी को, हमारी गाड़ी के जो भी पार्ट है, इस पार्ट को, विंडो पार्ट को। जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी को इशारा हो जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि सामने कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप भी लगा सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसका जो नाइट व्यू है, रात को कैसे काम करता है, मैं आपको